बिहार की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीर आए दिन सोशल मीडिया पर देखने को मिल ही जाती है। राज्य में अस्पताल, स्कूल, सड़क जैसे बुनियादी सुविधाओं की स्थिति जानने के लिए JSTV की टीम इन दिनों ग्राउंड पर उतरी हुई है। इसी क्रम में पूर्वी चंपारण के मसौढ़ा पंचायत के एक स्वास्थ्य केंद्र पर हमारा जाना हुआ। आप भी देखिए किस स्थिति में है यह स्वास्थ्य केंद्र। स्थानीय निवासी बताते हैं कि यह स्वास्थ्य केंद्र 3-4 साल पहले बना था, तब से इसमें ताला जड़ा हुआ है। यहाँ ना तो डॉक्टर आते हैं ना ही कोई नर्स है। जब डॉक्टर आते ही नहीं तो दवा मिलने की बात सोचना ही गलत है। पीछे आपके जो अस्पताल और औषधालय है कभी खुला है? हाँ कभी खुला है, हम लोग तो देखता है जब से बना जब से ऐसा ही। कोई डॉक्टर या नर्स या नहीं आया? कभी नहीं, कभी हम लोग देखवे नहीं करता है। दवा ववा देने के लिए कोई व्यक्ति? कुछ नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं मिलता है दवा ववा कभी, सब आना जब से बंद ही है। रख रखाव का आलम यह है कि स्वास्थ्य केंद्र के आसपास कूड़ा कचरा फैला हुआ है। देखकर ऐसा लगता है कि यह स्वास्थ्य केंद्र कम, बीमारियों का केंद्र ज्यादा है। डॉक्टर साहब ने तो इसे किराए पर दे रखा है जिसमें कोचिंग चलती है, और किराया डॉक्टर साहब की जेब में जाता है, ऐसा हमें एक स्थानीय निवासी ने बताया। आप भी सुनिए क्या कहते हैं स्थानीय लोग। राजेश चौधरी बोल रहे हैं। गांव कौन सा? मसौढ़ा बाजार। ये जो आपके पीछे जो बिल्डिंग है औषधालय का, ये कभी खुला है? नहीं खुला है। कितना दिन हो गया बने हुए? लगभग हो गया 3 साल हो गया बने हुए। दवा वगैरह कभी मिला? कभी नहीं मिला हुआ है। कभी नहीं। और इतनी गंदगी क्यों रहता है यहाँ पे? डॉक्टर नहीं बैठता है तो गंदगी नहीं रहेगा, इसका महीना उठता है डॉक्टर के पास। हमारी बात स्वास्थ्य केंद्र के पास रहने वाली एक महिला से हुई। सुनिए स्वास्थ्य केंद्र बंद होने के कारण उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जब से बनल जब से कभी न खुलल, ताला लागल से ताला लगले। डॉक्टर और कभी नहीं आए? ना कभी। आपका घर यही है? हाँ ये मकान सामने में घर है आपका? हाँ ये ना हम बर महर रही है सब आलो। आपको दिक्कत होता है इससे? दिक्कत का भी कभी बुला रहा था तो फायदा मिलता, दवा वगैरह मिलता? हाँ मिलता था। ढाका आदमी गेल है दवाई ले, आई खुलती है तो दवाई ना लेती। स्वास्थ्य केंद्र तो है लेकिन कचरे के अंबार के बीचों बीच, और डॉक्टर और नर्स का हाल तो आपने सुन ही लिया। तो कुछ ऐसा है सुशासन बाबू का विकास मॉडल।